कल रात तुम किसी दोस्त के साथ डिनर कर रही थी, हमारी बात नहीं हुई। हम सीजा के साथ डिनर कर रहे थे। अच्छा, वो भी इस्तांबुल में था। हम वहां मिले तो उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। मैंने बानू को भी देखा, उसे एक बच्चा भी है। सीजर से? सॉरी नहीं, उसका अभी डिवोर्स हुआ है, उसका 4 साल का बेटा है उमेर, वो बहुत क्यूट है। वो दोनों सीजर के घर रह रहे हैं। तो सीजर दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? नहीं, शायद बिजी है, मुझे नहीं पता। चलो बाय बाय। गुड बाय। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था जब मैं घर में नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मिस चाहिदे नहा रही थी, शायद तुम्हारे भाई के बारे में कंप्लेन कर रही थी, और फिर जब वो उठी तो फिसल कर गिर गई। अब वो सब छोड़ो, बताओ वो वापस कब आ रहा है? पता नहीं। तुम लोग बानू के साथ थे पूरी रात? मुझे लगा तुम लोग अकेले थे। बानू नहीं थी, हम अकेले थे। सच में? और फिर हमने डिनर किया और फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। क्या वो घर के अंदर आया? हाँ, कॉफी पीने। ओके, तुम लोगों ने किस किया? नहीं। Are you sure? मुझे पता है कुछ तो जरूर हुआ है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। हम दोनों ने सिर्फ बातें की, पुरानी यादों के बारे में, और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो चला गया। मतलब वो तुम्हें जानने लगा है? और नहीं तो क्या, वो समझ गया है कि अगर वो तुम्हारे और करीब आया तो वो तुम्हें खो देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ मैं चल के जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। ठीक है मैम। हाँ बोलिए। कुरहान क्या बकवास कर रहा था जब वो नशे में था? कुछ नहीं, हाँ सच कह रहा हूं। मेरी मॉम को भी पता था कि वो कौन थे, पर वो चुप रही। अपने आप से बातें करते हुए वो मर गई।
उन्हें कभी पापा का प्यार नहीं मिल सका और ना ही मुझे मिलेगा। द ग्रेट तहसीन कौर लुधाक, पता नहीं आपने कहां से ये नाम चुराया है। मिस्टर तहसीन, मैं आप ही के पास आ रहा था। वो लोग ने मेरी मॉम को अरेस्ट कर लिया है। हर जुर्म की एक सजा होती है। मुझे नहीं पता, डीए को पता होगा। ना चाहकर भी तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है। मॉम बुलंत, मैं तुमसे नहीं डरती। जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो ये मत समझना कि तुम लोग मुझे डरा दोगे। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी तहसीन, देख लेना। मिस्टर तहसीन, प्लीज आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं मिस अदालत की तरफ से नहीं कह सकता। हाल ही में हम दो हादसों से बचे हैं। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरा घर जलाने की कोशिश की। हो सकता है पहले वाले हादसे में भी उन्हीं का हाथ हो। अदालत चलो। मेरी बच्ची, ऐसा मत करो, मेरा मूड खराब मत करो ऐसा चेहरा बनाकर। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं थक गई हूं आपको सबसे बचाते बचाते। वो प्रॉपर्टी में घुस गई थी। आपने उससे भी खराब चीजें किए हैं। आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा सब आपसे नफरत करते हैं। बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुहान बस करो। क्यों बस करूं? घर पर कोई आया हुआ है। I'm sorry, papa. लगता है पॉपुलर नहीं रहा मैं। इन दो दिनों में कठपुतली बन गया हूं। कहते हैं अगर भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो कीड़ों के लिए मजाक बन जाता है। कहां थे तुम? इस्तांबुल में था। हाँ, सुहान ने बताया था तुम लोग डिनर पर गए थे। हाँ, वो यहाँ बाय बोलने आया है। क्यों? मैं एक होटल में रहने वाला हूँ और अब वहीं से काम करूंगा। अच्छा। हाँ, और मेरी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर के लिए नहीं रुकोगे? नहीं, मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है। मिस रेहान, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल भी रखा। गुड बाय मिस ब्राइड। मैं जल्दी सुहान को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, उसे तंग मत करो, मैं फिर मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। केमाल जल्दी करो। घर जल्दी से बनाना है इसलिए इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं मिस्टर साली। यहाँ से जल्द निकलना है।
मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे राहत मिली जब आपने एक महीने की बात कही। ठीक है, फिर तुम लोगों को जल्दी तैयारी शुरू करनी होगी। सच में? महीने के अंत में घर तैयार चाहिए, तो करना ही होगा ना। मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा बाहर जाकर थोड़ी देर वॉक कर कर आऊं, पर यहाँ पर तो बहुत ठंड है। तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? कौन? सीजर? वो गया क्या? तुम सच में झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो। हाँ, एक मिनट रुको। अब तो मैं जानती हूँ कि जरूर कुछ हुआ है, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बताती नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अच्छा बिहेव करता है कभी बुरा बिहेव करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं? बाहर निकलो। देखो सुहान, मैं जानती हूँ कि तुम सीजर के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर फील करती हो, और मैं ये लिख कर कह सकती हूँ कि तुम जरूर कुछ फील करती हो। हेलो, तुमने तो मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। तुम चाहो तो अपने पापा की जगह खुद भी ले सकती हो। मैं किसी के सामने पापा को एम्बैरस नहीं करती। वो एम्बैरस नहीं होते, और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज भी हैं। अपना ख्याल रखना सीजा, और पट्टियां बदलते रहना। अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो तुमको बुला लूंगा। हॉस्पिटल तुम्हारे होटल से नजदीक ही है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। गुड नाइट। गुड नाइट। समय में आए थे, बहुत ही शांत आदमी थे, लेकिन लोग उनके बारे में बहुत कुछ बातें किया करते थे कि वो गैम्बलिंग करते हैं, प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। तहसीन कोलुदाग के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्यों होगी? पता नहीं, मेरे दिमाग में पहले वही आया जब तुमने कहा कि उधार तहसीन कोलुदाग का है। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि सच में ऐसा कुछ हुआ होगा, ये बस दिमाग में ऐसे आया था। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ही वो उन्हें शाबाशी दे रहे थे जब उन्होंने खुशखबरी दी, जब उनकी डॉटर इन लॉ आई थी। वो शायद गैम्बलिंग माफिया ही होंगे। वो जानता हूँ मैं। पॉज करूं क्या? नहीं, रहने दो। कैसे हो? अच्छा हूं। तुमने जो गिफ्ट्स भेजे थे मॉम को बहुत पसंद आए। ओह, मुझे खुशी हुई। मॉम, मेरी दोस्त को हाय बोलना चाहेंगे आप? हेलो आंटी। आप पे ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप अच्छी दिख रही हैं। बहुत प्यारा है। हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सुहान, कुछ बहुत जरूरी। जिंदगी में अगर प्यार करो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि प्यार करने से मरना आसान है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप बहुत प्रेशियस हैं मॉम। तकिए को थोड़ा और नीचे करो। ठीक है। वो क्या बोल रही थी?
बस कुछ लाइंस कह रहे थे, मेरे पापा ने लिखी थी। जिंदगी में अगर प्यार करो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि प्यार करने से मरना ज्यादा आसान है। इसीलिए तुम भी सब कुछ सोच समझ कर ही करना। गुड नाइट सुहान। उनका ख्याल रखना। जरूर रखूंगा। ठीक है ना? मॉम, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, मतलब कुछ दिनों के लिए आ नहीं पाऊंगा। अपना घर ठीक कर रहा हूं, एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद आपको ले जाऊंगा। ठीक है, फिर हम वहीं रहेंगे जहां पापा का रहने का सपना हमेशा से था। हमारा घर। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा घर। पता है हर तरफ ग्रीनरी है, एक बड़ा सा लेक भी है वहां पर जंगल के पास, जैसा पापा हमेशा से चाहते थे। जिंदगी में हमारी जिंदगी छीनने वाले बहुत खुश हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम, ये पापा तो नहीं देख पाए लेकिन आप जरूर देखोगी, प्रॉमिस करता हूं। देखिएगा मॉम, सबसे पहले पापा की पेंटिंग्स लेकर आऊंगा। वहां से थोड़ा सा लिफ्ट की तरफ जाओ। पासवर्ड सबसे पहले 86 और अब 14। हो गया, हो गया। ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैच का स्कोर क्या है? अभी तो ड्रॉ हुआ है। आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए ना? हाँ पक्का, तुम बस आसपास देखते रहो। काम पूरा हो जाना चाहिए। थैंक यू। ओके यार, बोला था ना ढंग से खेल, क्या कर रहा है यार? सामने प्लेयर खड़ा देख ही नहीं रहा, उसे ड्रिबल करके गोल मारना चाहिए था ना, ध्यान ही नहीं है उसका। पर मैं जरूर जीतूंगा।
ये लो इसे पी लो। वो पेंटिंग कहाँ है? ये देख रहे हो? अब नेक्स्ट ये वाला लगेगा। देखो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे उस पेंटिंग को चेंज करने के लिए। सिरिन और केमाल के स्थान भूल जाएंगे। कल सुबह सुबह